देवरिया जिले से इसी की खबर आ रही है, जहां पूरे देश में जोरों शोरों से CAA और NRC का विरोध जारी है, जिसको लेकर तमाम प्रदर्शन हो रहे। देवरिया के सलेमपुर निवासी पूर्व राज्यसभा सांसद आज मोहम्मद भी अपनी पत्नी के साथ CAA और NRC का विरोध जताया है, जिसके पश्चात ही सलेमपुर के कोतवाली पुलिस ने पूर्व सांसद उनकी पत्नी के यहाँ पर नजरबंद कर दिया गया है। इसके बाद पूरे संसद में आज मोहम्मद ने बताया है कि संविधान को लेकर मैं जनपद मुख्यालय के साथ ही सुभाष चौके पर धरना के लिए तैयार हो चुका है। बीती रात सलेमपुर पुलिस रात में यहां पर मेरे घर में उठकर मुझे नजरबंद कर दिया गया है। पूरे संसद ने आगे बताया है कि नागरिकता देश को लेकर जन्म देने वाली होती है, जबकि एक विशेष धर्म के लोग को यहाँ विशेष नागरिकता प्रदान की गई है। प्राइम की न्यूज आने के लिए खास रिपोर्ट। CA के खिलाफ NRC के खिलाफ मैं धरना देने के लिए SDM महोदय को दरखास्त दिया और मैं सारे मीडिया को मैं इन्फॉर्म किया लिखित। CA जो है वो हमारे समझ में, पूरे देश दुनिया की समझ में, ये धार्मिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान है, इसमें ये संविधान के खिलाफ है। संविधान को मोदी सरकार बिल्कुल खंडन करने, तोड़ने पर आमादा है। ऐसे हालत में हम लोग धरना दे करके और पूरे देश और दुनिया को आपके माध्यम से बताना चाहते थे कि CAA जो है, दुनिया में कहीं भी नागरिकता जो है जन्मजात मिलता है, जो जिस देश में पैदा हुआ वो वहाँ का नागरिक हो गया। लेकिन मोदी जी ऐसा CAA कानून बनाए हैं कि आप जन्म लेने से भारत के नागरिक नहीं हो सकते हैं, आपको एक विशेष धर्म में जन्म लेना पड़ेगा, तब भारत के नागरिक होंगे। ये संविधान के खिलाफ है। दो किताबों से कोई शांति भंग की संभावना नहीं थी, लेकिन यहाँ पर हमें सलेमपुर की पुलिस ने बाकायदा गिरफ्तार करके यहाँ लाई और तब से हम लोग पति पत्नी यहाँ बैठे हुए हैं। मेरे समझ में ये प्रजातंत्र ने, संविधान ने जो हमें बोलने का अधिकार दिया है, वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया है, उसका ये हनन है। ये जो योगी साहब की सरकार है, ये सरकार जो है संविधान से अलग हट करके चल रही है। योगी साहब को संविधान से कोई लेना देना नहीं है। हम आप लोगों के माध्यम से पुनः मोहम्मद भाई ये जानकारी करें कि NRC और CA है क्या, ये किसी को नागरिकता लेने की जो है नहीं बात की गई है, देने की बात की गई है। और वो अभी अपने गिरिबान में झांक कर देखें, अभी वो जो है आज कह रहे हैं कि मेरी पत्नी है, अभी उसको एक तरह जैसे बंधक बना करके पूरा मुंह ढक करके क्या पहचान है कि उनकी पत्नी है, वो आतंकवादी है कि उनकी पत्नी है, तो बंधक बना दिए, मुंह ढक लिए हैं। यही चाहते हैं ना आस मोहम्मद की पूरा हम लोगों का, महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने का आजादी मिला रहे, तो मोदी और योगी सरकार में तो नहीं होगा। महिलाओं का अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अच्छा, इस तरह के किसी भी अत्याचारी का अत्याचार नहीं बर्दाश्त किया जाएगा इस सरकार में। जो भी होगा न्याय होगा, सबके साथ न्याय होगा। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन